हेलो नमस्कार, ब्रह्मवर चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। एक ऑफिशियली आदेश जारी किया गया है। आयुक्त कामना आचार्य मैडम है, इनने एक पत्र जारी किया गया है जिससे हजारों अतिथि शिक्षकों को ये राहत मिल सकती है। तो उसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। पत्र क्या है, वो क्यों जारी किया गया, ठीक है? क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने जो 2 तारीख को आंदोलन किया था उसके संबंध में पत्र जारी किया जिससे अतिथि शिक्षकों को राहत मिल सकती है। इसमें GFM पोर्टल में जो अपडेट नहीं था वो अपडेट किया गया और सुधार किया गया है, और हजारों अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल आदेश में क्या जारी किया गया है, अतिथि शिक्षकों को क्या राहत मिल सकती है, उससे आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई अपडेट पाने क्या कहना है आयुक्त का? लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI की अपर संचालक कामना आचार्य का एक इंटर ऑफिस मेमो लगा है जिसमें कुछ ऐसे अहम निर्देश हैं जो काफी हद तक अतिथि शिक्षकों को राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर कामना आचार्य के निर्देशों के मुताबिक वाकई काम हुआ तो हजारों अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन इस मेमो में DPI की एक और साजिश की बूबी आ रही है। क्या है यह मामला, देखिए 10 सूत्र की यह खास रिपोर्ट। पहले आवेदन। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग और BJP की पिछली शिवराज सरकार की घोषणाओं को पूरा करने की मांग लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने बार बार सरकार को आवेदन दिया। फिर निवेदन। आवेदन से बात नहीं बनी तो अतिथि शिक्षकों ने BJP ऑफिस समेत DPI दफ्तर और नेता मंत्रियों के बंगले पहुंचकर हाथ जोड़कर निवेदन भी किया। फिर महा आंदोलन की चेतावनी। जब आवेदन और निवेदन से भी बात नहीं बनी तो अतिथि शिक्षकों ने 5 सितंबर को भोपाल में महा आंदोलन की चेतावनी दे डाली, जिसकी कड़ी में 2 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों के अतिथि शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, जिसे दासूत्र ने प्रमुखता से कवर भी किया था। जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI की नींद खुली और वो कुछ हद तक हरकत में आया। जरा इस इंटर ऑफिस मेमो पर नजर दौड़ाइए जो DPI की अपर संचालक कामना आचार्य ने MPSEDC यानी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के उप संचालक विनय पांडे को लिखा है। दरअसल MPSEDC के हवाले GFMS पोर्टल के संचालन का पूरा जिम्मा है। पत्र में कहा गया कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में सुधार और 28 अगस्त 2024 से खाली पदों पर आवेदकों के लिए स्कूल ऑप्शन चुनने की प्रोसेस शुरू होनी थी, लेकिन वो प्रोसेस आज तक शुरू नहीं हो पाई। इसलिए जल्द से जल्द शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खाली नए पदों पर 4 सितंबर 2024 से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल पर स्कूल ऑप्शन चुनने की सुविधा शुरू की जाए। सीधे शब्दों में कहें तो 10 सूत्र की खबरों और युवाओं की कोशिशों के बाद DPI ने GFMS पोर्टल पर एक बार फिर से चॉइस फिलिंग समेत बाकी प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र जून से ही शुरू हो चुका है, लेकिन अगस्त का महीना बीतने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। साथ ही GFMS पोर्टल बार बार क्रैश भी हो रहा है, आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा DPI ने करीब 5-6 बार आवेदन की डेट भी आगे बढ़ाई, इसके बावजूद सैकड़ों उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाए। दूसरी तरफ DPI की अपर संचालक कामना आचार्य के पत्र को DPI की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चूंकि सूबे के हजारों उम्मीदवार 5 सितंबर को भोपाल में सरकार के खिलाफ महा आंदोलन करने वाले हैं, इसलिए DPI ने उनके प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए जानबूझकर अपर संचालक का इंटर ऑफिस मेमो पब्लिक किया है। यानी DPI मान रहा है कि अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। यदि चेतावनी के मुताबिक वाकई 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हजारों अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतर गए तो ये मोहन सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होगी और DPI की तमाम मनमानियां उजागर हो जाएंगी। क्योंकि हाल ही के दिनों में DPI की कई मनमर्जियां सामने आने से वैसे भी खूब विरोध हो रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि DPI की पॉलिटिक्स के इतर 4 सितंबर से GFMS पोर्टल फिर से अगर शुरू होता है तो पीड़ित उम्मीदवारों को काफी हद तक राहत मिल जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई DPI उम्मीदवारों को राहत देना चाहता है, यानी क्या 4 सितंबर से GFMS पोर्टल पूरी तरह ठीक हो जाएगा या फिर 5 सितंबर का महा आंदोलन रोकने की साजिश रची जा रही है।